तो दोस्तों आप सभी के लिए हम गए हैं जोमैटो के रेस्टोरेंट पर जो कि जोमैटो से टाइप है। ये बताने के लिए अगर आप रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाते हो या फिर आप घर बैठे अपने फोन से जोमैटो फूड ऑर्डर करते हो तो दोनों में से कौन सा खाना आपको सस्ता पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रेस्टोरेंट पर गए हैं और जाकर हमने सबसे पहले मेन्यू को यहाँ पर देखा है। तो मेन्यू को देखने के बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जोमैटो से आपको ऑर्डर सस्ता पड़ेगा या अगर आप खुद रेस्टोरेंट पर जाकर खाओगे तो वो आपको खाना सस्ता पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई आपको वही बता सकता है जो कि जोमैटो में डिलीवरी के तौर पर काम करता है। उसको सब कुछ मालूम होता है कि किस रेस्टोरेंट पर किसका मेन्यू कम है और किसका ज्यादा है और जोमैटो कंपनी कस्टमर से इस ऑर्डर का कितना पैसा ले रही है और एक्चुअल में रेस्टोरेंट पर उस ऑर्डर का पैसा कितना है। वैसे दोस्तों देखा जाए रेस्टोरेंट पर आपको वो ऑर्डर का पैसा आपको कम मिलता है। अगर आप जोमैटो से ऑर्डर करते हो उसमें आपको 40 रुपये 50 रुपये डिलीवरी चार्ज देना होता है। इसके अलावा जो भी आप ऑर्डर करते हो वो ऑर्डर आपको रेस्टोरेंट से आपको जोमैटो पर महंगा मिलता है। मैं आपको बिल्कुल रियल सच्चाई बत दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो कि आप देखोगे तो आप चौंक रह जाओगे। तो आज सबसे पहले हम एक रेस्टोरेंट पर गए जो कि जोमैटो से टाइप है और यहाँ पर हमें मिला है एक मेन्यू। तो मेन्यू में हम यहाँ पर ऑर्डर अभी चेक कर रहे हैं जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम क्या आज खाने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है और अब हम अंदर बैठे हैं ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पास ऑर्डर आएगा। उसके बाद टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर खाना किस प्रकार से रेस्टोरेंट में मिलता है और जोमैटो में खाना का टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आज ऑर्डर किया है रोटी और यहाँ पर आलू मटर की सब्जी और आपके सामने यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट से कर रहे हैं और आपके सामने हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि जोमैटो ऐप पर जहाँ से कस्टमर ऑर्डर करते हैं कि वहाँ पर ये ऑर्डर कितने का है और एक्चुअल में हमें ये ऑर्डर कितने का मिला है। तो सब कुछ मेन्यू वगैरह हम वहाँ पर रिकॉर्ड करके लाए थे अपने मोबाइल फ़ोन से, फोटो कैमरा फ़ोन से फोटो वगैरह खींच के लाए थे। इसके अलावा वीडियो भी यहाँ पर हमने क्लिक की थी। तो अब हम आपको मेन्यू दिखाते हैं और जोमैटो का प्राइस भी दिखाते हैं कि जोमैटो पे प्राइस कितना चला हुआ है और रेस्टोरेंट का प्राइस एक्चुअली में क्या है। तो गाइज अब हमने जोमैटो ऐप को ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ से सचदेवा ढाबा से ऑर्डर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर नाम सर्च करते हैं रेस्टोरेंट का जो कि जोमैटो से टाइप है सचदेवा वैष्णो ढाबा। तो यहाँ पर आ चुका है जैसे आप देख रहे हैं और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये सचदेवा ढाबा का पूरा मेन्यू यहाँ पर खुल चुका है कि आप क्या ऑर्डर करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है सचदेवा वैष्णो ढाबा और अगर आप मेन्यू में देखोगे यहाँ पर लिखा है सचदेवा ढाबा, यानी मेन्यू में नाम कुछ और है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर लिखा हुआ है सचदेवा वैष्णो ढाबा, शुद्ध वैष्णो ढाबा, उसका ये मेन्यू है सचदेवा ढाबा और यहाँ पर ये एप्लीकेशन के नाम से शो होगा एप्लीकेशन के अंदर इस नाम से। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर तरह के यहाँ पर आइटम मिल जाएंगे जो कि आप खाना चाहते हो। तो सभी तरह के यहाँ पर आइटम मिल जाएंगे जो कि मेन्यू पर है और यहाँ पर दोस्तों ऑफर भी चला हुआ है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट 20% ऑफ 40% ऑफ, तो इसको लगाकर भी आपको ऑर्डर महंगा पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। यहाँ पर लिखा है सचदेवा स्पेशल थाली, आप जोमैटो की एप्लीकेशन में देखिए ठीक है और इसका प्राइस आप देखिए 269 रुपए यानी 269 रुपीज। और अगर मैं आपको मेन्यू में दिखाऊं तो यहाँ पर स्पेशल जो थाली है वो यहाँ पर 200 रुपए है, यानी कि स्पेशल थाली 200 रुपए जिसके अंदर आपको शाही पनीर, दाल मखनी प्लस राइस, रायता, पापड़, रोटी, सलाद, ये आइटम आपको मिलने वाली है। यहाँ पर वो 200 रुपए की दिखा रहा है और लेकिन आपको एप्लीकेशन के अंदर वो थाली आपको 269 की दिखा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे ऐड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ऑर्डर करने वाले हैं, यहाँ पर इसे ऐड करते हैं। ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यानी ऑर्डर करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने स्पेशल थाली ऑर्डर किया है जो कि मेन्यू पर 200 के दिखा रहा था लेकिन जोमैटो ऐप पर वो 269 की दिखा रहा है। और अब यहाँ पर देखिए टोटल जो हमें पे करना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है कि हमें जो टोटल पे करना है 302.81 रुपए, यानी कि हमसे 102 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं अगर हम रेस्टोरेंट पर ऑर्डर खाने जाते हैं या फिर अगर हम जोमैटो से ऑर्डर करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऑफर भी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर इतना अमाउंट क्यों बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जो ऑर्डर है हमारा स्पेशल थाली का वो है यहाँ पर 269 का और GST हम पर लगी है 13.81 पैसा। उसके बाद डिलीवरी जो चार्ज लगा है अप टू 4 किलोमीटर का यहाँ पर 18 रुपीज यानी 18 रुपीज टोटल। उसके बाद प्लेटफॉर्म फीस देखिए जोमैटो अपनी प्लेटफॉर्म फीस भी लगाता है। टोटल ग्रैंड हमारा जो बना है टोटल हमको जो देना है 302.81 पैसा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो इतना पैसा हमको देना है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे डिस्काउंट चलता रहता है वो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है
सेव 80 रुपीज मोर ऑन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करके आप 80 रुपीज का आप यहाँ पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बाय द वे, अगर यहाँ पर डिस्काउंट नहीं चलता 80 रुपीज का, तो आपको इस ऑर्डर के, यानी कि आपको इस ऑर्डर के 302.81 पैसा आपको पे करना पड़ जाता। देखिए यहाँ पर जोमैटो की एप्लीकेशन पर ऑर्डर कितने का है, इसके अलावा एक्चुअल ऑर्डर रेस्टोरेंट पर कितने का है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस ऑफर को अप्लाई करते हैं और देखते हैं डिस्काउंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल चुका है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 80 रुपीज का डिस्काउंट मिलने के बाद अब ये फाइनल हमें ऑर्डर जो पड़ा है कितने का पड़ा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पड़ा है 218.81 पैसे का, यानी कि हमें फिर भी रेस्टोरेंट से 18 रुपए ज्यादा ऑर्डर, यानी 18 रुपए ज्यादा यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा है इस ऑर्डर का। उसके बाद हम इस ऑर्डर को अब यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और UPI कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, जो कि जोमैटो राइडर आपके पास ऑर्डर लेकर आएगा आपके घर पर, आपके ऑफिस पर, जहां भी आप मंगवाओगे। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको रियल बताया है, अगर आप जोमैटो की ऐप से ऑर्डर करते हैं तो वहां पर आपको ऑर्डर महंगा पड़ता है, और अगर आप रेस्टोरेंट पर जाकर खुद खाते हैं तो वहां पर आपको ऑर्डर सस्ता पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जोमैटो पर जब आप ऑर्डर करते हो तो आपके पास जो क्वांटिटी है ऑर्डर की, वो भी आपके पास कम आती है, और जोमैटो कस्टमर से भी ऑर्डर का चार्ज ज्यादा लेती है। इसके अलावा जो भी रेस्टोरेंट जोमैटो से टाइप है उनसे भी कुछ ना कुछ कमीशन बेस अपना कमाती है। मान लीजिए अगर वो ऑर्डर 200 रुपए का रेस्टोरेंट पर दिखा रहा है, लेकिन वहां पर 180 रुपए रेस्टोरेंट वालों को भी देती है और 20 वहां से बचाती है, इसके अलावा आपसे भी वो पैसे कमाती है। तो इस हिसाब से जोमैटो कंपनी करंट में अभी काम कर रही है सभी राइडर के साथ भी, इसके अलावा रेस्टोरेंट के साथ भी, इसके अलावा कस्टमर के साथ भी। तो दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो में जान लिया है कि अब जोमैटो पे अब आपको ऑर्डर करना चाहिए या फिर आपको रेस्टोरेंट पर जाकर वहीं पर आपको ऑर्डर करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी जान सके कि जोमैटो पे ऑर्डर महंगा पड़ता है या फिर रेस्टोरेंट पर ऑर्डर महंगा पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तो आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके।